हेलो पार्टनर, स्वागत है आपके चैनल में। मेरा नाम आकाश और आज हम बात करेंगे अपस्टॉक के बारे में। अपस्टॉक के बारे में कुछ एडवांस बात करने वाले हैं। क्या नया अपडेट्स है, कैसा इंटरफेस है, अपस्टॉक चलाने में कैसा है, क्या क्या सेटिंग्स आपका मोस्ट यूजेबल सेटिंग बन सकता है ट्रेडिंग में, तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट जो ठीक से समझ में आ जाए। ओपन करेंगे तो ऐसे करेंगे, कुछ देर ही होता है। हाँ, आपके सामने ये दो फेस आ जाते हैं, एक यूज़र आई डी का और एक पासवर्ड का। यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, क्या है कि यहाँ पे क्रिएट अकाउंट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक में आप टच करेंगे तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे क्रिएट अकाउंट में टच करेंगे तो आप कुछ कुछ जो है इन्फॉर्मेशन डाल के आप इस अकाउंट को ओपनिंग कर लेंगे। उससे पहले जानेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे सेटिंग चलता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ इसका पॉइंट जो है जान लेते हैं। पहले इसमें पासवर्ड डालेंगे, तो यहाँ मैं पहले पासवर्ड डाल लेता हूँ। जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ, साइन इन पर टच करता हूँ, वैसे आपके सामने एक सेटिंग आता है जो कि डेट ऑफ बर्थ मांगता है, और फिर डेट ऑफ बर्थ आप जैसे कि डालेंगे तो इस तरह से आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तीन सेटिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इंडाइसेस है, यहाँ पर अप एंड डाउन है, यहाँ प्लस का है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या क्या है सब कुछ हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे यहाँ पे इंडेक्सेस पे क्या है। यहाँ पे क्या है कि आप जैसे ही उस पर टच करते हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का आ जाता है, और यहाँ पे टॉप 20 बाय मार्केट कैपिटल जो है यहाँ पहले से वो डिफ़ॉल्ट देता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर इंडेक्सेस पे टच करेंगे तो जो कि खुला हुआ है आपके सामने, सारा इंडेक्सेस आपके सामने खुला हुआ रहेगा। यहाँ पे कुछ कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है तो क्रिएट वॉच लिस्ट में जो भी जाएंगे आप फिर प्लस के साइन में टच करेंगे, तो यहाँ मान लीजिए कि मेरे को रिलायंस ऐड करना है, रिलायंस यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस ऐड हो गया, तो इतना आसान है इसको ऐड करना और रिमूव करना। रिमूव करना भी तो है, तो इसको ऐसे टच करेंगे और यहाँ से क्या है कि इसको टच करके और ऐसे करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, इतना आसान हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग इस पॉइंट पे, क्या है इस पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखता है ए टू जेड, इसको आप एक सीरियल वाइज बैठा सकते हैं, ए टू जेड, जेड टू ए, प्राइस लो हाई, प्राइस हाई लो, परसेंटेज में चेंज लो हाई, परसेंटेज में हाई लो। इसमें क्या है कि आप ए टू कर देते तो आपको पता ही है ए टू बी सी ऐसे अगर बैठ जाता है, जेड जेड करके जो उल्टा बैठेगा वो आ जाएगा। प्राइस में लो हाई, जो लो लगाता है हाई लगाता तो वो आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि हाई लो, जो हाई और लो में जो भी वो सेटिंग आपके सामने आ जाएगा। परसेंटेज में लो हाई जो भी है आपके सामने दिखेगा, परसेंटेज में हाई लो जो भी है वो आपके सामने दिखेगा। तो इतना आसानी कर देगा आपको ट्रेडिंग करने में, ये सब बहुत कुछ आसान बनाती है। फिर प्लस का चीज में आपको पता ही है कि कुछ भी स्टॉक आपको ऐड करना तो यहाँ प्लस करेंगे, इंडाइसेस कोई भी कुछ भी आप ऐड करना है तो प्लस कर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क में क्या है कि सपोर्ट, कुछ चीज़ें सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है यूज़ करने में कोई सेटिंग में, तो इस क्वेश्चन मार्क में जाएंगे तो वहाँ पर आप डाल के जो भी है आपका एक टिकट रेज कर सकते हैं। जैसे आप टिकट रेज करेंगे तो कंपनी आपको फ़ोन करके सारा कुछ सेटलमेंट आपका प्रॉब्लम को सेटलमेंट कर देगी। चलिए यहाँ पर कुछ मोस्ट पॉपुलर सेटिंग जानेंगे, फिर आपको कुछ एडवांस पॉइंट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किया मैं ऊपर का सारा कुछ हम लोग बात कर लिए हैं, यहाँ पे सामने आपको सेंसेक्स और निफ्टी का जो भी है सारा कुछ दिखता है, यहाँ पे इंडेक्सेस का जो भी लिस्ट है आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे नीचे पे हम लोग देखेंगे तो नीचे में वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, फंड है और इन्वेस्ट है। तो लोग बाय बाय सब कुछ सब में जाएंगे और देखेंगे क्या क्या सब कुछ सेटिंग जो है वो चलता है। फिर जाएंगे हम लोग वॉच लिस्ट में, वॉच लिस्ट तो खुला ही हुआ है, हम लोग जाएंगे ऑर्डर्स में। अगर ऑर्डर में आते हैं तो आपके सामने ऑल आता है, ओपन आता है और क्लोज आता है। ऑल अगर मार्केट में अगर जो भी ऑर्डर सब लगाए हुए हैं तो यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा, कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है। ठीक, क्लोज यहाँ दिखेगा, ओपन यहाँ पे जो भी है यहाँ पे दिखता है, क्लोज कैंसिल सारा कुछ दिखेगा, ऑल है ना। ओपन में क्या है, जो भी ओपन है जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं या फिर पेंडिंग थे वो सारा कुछ यहाँ पे दिखता है, और क्लोज में, कैंसिल में, क्लोज में सारा कुछ यहाँ पे दिखता है। तो ये सब आपको आसान कर देता है। अब हम लोग जाएंगे पोर्टफोलियो में, नहीं नहीं पोर्टफोलियो में हम थोड़ा देर बाद जाएंगे, पहले जाएंगे फंड में, उसके बाद पोर्टफोलियो में जाने वाला हूँ। तो फंड में जाते हैं। फंड में क्या है कि अब फंड में देखेंगे तो यहाँ पे 0-0 है, क्योंकि मैंने नया अकाउंट खोला है। क्यों खुला है मैंने बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक मेरे पास डीमेट अकाउंट है जो कि जीरोधा का है और एंजल का है,
दोनों में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर डे टू डे इंटर ट्रेडिंग उसमें मैं करता हूँ। मेरे को एक और एप्लीकेशन चाहिए था, मतलब और एक ब्रोकर चाहिए था जिसके पास मैं होल्डिंग रख सकूँ, उसको मैं एक महीना दो महीना तीन महीना ना देख पाऊँ, जैसे लगा दिया वो एग्जीक्यूट हो गया वो सारा कुछ चलते रहे, तीन महीना दो महीना बाद उसमें लोकेट करो देखो घटाओ बढ़ाओ, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरे को अपस्टॉक चाहिए था। अपस्टॉक बहुत सारा जो है आपको हेल्प करता है और बहुत यूजर फ्रेंडली है, मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था तो मैं आपको भी हो सके कि बता दूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वो जो सेबी का रूल्स है वह सारा कुछ दिखता है। यहाँ पे ऐड फंड में जाएंगे तो ऐड फंड कर सकते हैं, विदड्रॉल जाएंगे तो विदड्रॉल कर सकते हैं, वो भी कुछ बहुत आसान सेटिंग्स होते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसलिए विदड्रॉल में चलता हूँ। विदड्रॉल में आएंगे तो फंड डालेंगे और विदड्रॉल फंड में डाल देंगे तो वो एक ऑर्डर लग जाएगा, वो हमको लगता है कि एक नाइट के बाद जो है वो ऐड मतलब विदड्रॉल हो जाता है, ऐड फंड करेंगे तो तुरंत ऐड फंड हो जाता है। ऐड फंड में जाएंगे 5,000 यहाँ पे जो भी है मेरा अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे गूगल पे वही पी आई नेट बैंकिंग जो भी है सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। इतना आसान ये कर दिया है। हम लोग जाएंगे इन्वेस्ट में। इन्वेस्ट में अगर देखें तो आपके सामने एक दो तीन तीन सेटिंग्स, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं जो कि बहुत मेरे को अच्छा लगता है इस जगह पे। आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी यहीं से कर सकते हैं। तो ये एक ही जो एप्लीकेशन है वो सारा कुछ हेल्प कर देता है और सारा कुछ सेटिंग में आपको जो है बहुत सारा हेल्प ये कर देता है। इसमें मोस्ट एक पॉपुलर सेटिंग क्या है कि आपको आधा घंटे के बाद बाद जो है आपको मार्केट का भेजता है, कौन से अपने में कोई स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा भागा है या फिर कम भागा है, मतलब जो ज़्यादा लो लगाया है ज़्यादा हाई लगाया है, सारा कुछ आपको जो है नोटिफिकेशन ऊपर मिलता रहता है। तो ये भी आपके लिए हेल्प हो जाएगा कि कौन से स्टॉक भाग रहे हैं, आपको तुरंत लोकेट करके ये दे देता है और मेल में भेजता है कि ये सारा स्टॉक जो आज भागा है इसका रिजल्ट आया है कैसे कैसे सारा कुछ आपको मेल भी करता रहता है। तो बहुत सारा अपडेट ये देता रहता है जो कि मेरे को बहुत हेल्पफुल लगता है। अब ले जाएंगे पोर्टफोलियो में। अगर हम पोर्टफोलियो में आते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ पे होल्डिंग्स है जो कि अदर प्लेटफॉर्म में राइट और लेफ्ट होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है। होल्डिंग्स में जाएंगे तो होल्डिंग्स नहीं है, मेरे को गिफ्ट दिया है ये ETF 25 रुपये का है, बट गिफ्ट मिला है तो 25 रुपये बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए। तो एक 25 रुपये का ETF आपको गिफ्ट में मिलता है जो कि बहुत शानदार ETF है, CPSEE ETF करके एक ETF आपको मेरे को गिफ्ट किया है अकाउंट में, जैसे कि मैंने अकाउंट ओपनिंग किया तो इस मेरे को गिफ्ट किया है, तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग जाएंगे बाइसेल कैसा होता है वो सब थोड़ा देख लेते हैं। BEL को देखते हैं, जैसे आप उसको टच करेंगे तो आपके सामने इतना सारा जो है चार्ट न्यूज ऑप्शन सारा कुछ इसको सामने बहुत सारा आपको देता है, अपर सर्किट लोअर वॉल्यूम क्या चल रहा है यहाँ पे चलता है। अगर मार्केट ओपन रहेगा ना तो आपके सामने यहाँ पे चलता है कौन से स्टॉक लगे हैं, कौन सा मतलब हाई लोस दिखाते रहता है कि किस पे ज़्यादा बोलिए मैं बायर पे सेलर पे सारा कुछ दिखता है। जैसे बाय पे टच करेंगे तो ये आपको बाय पे ले जाएगा, बाय पे टच किया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे और जैसे कि ऑर्डर डालेंगे तो सेल करेंगे तो सेम टू सेम दिखता है। तो इतना आसानी कर दिया है आपको सारा कुछ, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट जो है आपके सामने कर देता है जो कि आपको समझने में मतलब एनालिस करने में सपोर्ट कर देता है। आशा करूँगा आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है रिव्यू, और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग कराना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक में टच करें, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक ट्रस्टेबल बाय रतन टाटा जो है उनका ये फंडेड एक कंपनी है तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट में बढ़ जाता है, तब समझ पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ इसमें है और कुछ हम लोग सेटिंग इसमें देख लेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें आते हैं तो इसमें कुछ आपको पॉइंट मिलते हैं, आपका नाम आ जाता है, नंबर, रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन एक्सचेंज जो हुआ है वहाँ सारा कुछ यहाँ दिखता है, अनाउंसमेंट क्या क्या हुआ है स्टॉक में इंडेक्स में या फिर मार्केट में क्या क्या होता है सारा कुछ यहाँ पर आपको देता है, ये मेल भी करता है और आपको नोटिफिकेशन भेजता है, बट कि यहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है, कब मार्केट ऑफ रहेगा ऑन रहेगा या फिर कुछ बड़ा न्यूज़ जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता है। सेगमेंट एक्टिवेट कराना है FNO MCX जो है यहाँ से जाके आप एक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे अपडेट फाइनेंशियल डिटेल्स में तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आएगा, आपको कुछ अपडेट करना है बैंक अकाउंट आधार कार्ड पिन कार्ड सारा कुछ जो है नेम कुछ सारा कुछ यहाँ पर जाके आप अपडेट कर सकते हैं। प्राइस अलर्ट,
प्राइज अलर्ट में अगर आएंगे तो मान लीजिए कि रिलायंस अगर 2000 का है तो मेरे को अगर 1980 का कोई प्राइज अलर्ट लगाना है तो यहाँ पे जाके मैं लगा दूंगा और उसको छोड़ दूंगा। जैसे 1980 में आएगा तो मेरे को वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो स्टॉक जो है उस प्राइज के पास आ गया। रेफर एंड अर्न, आपके पास जो भी भाई दोस्त जो भी हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। वो अगर रेफर वो अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट ये देता है कंपनी बाय, जैसे जैसे उसका सिलेब चलता है वैसे वैसे ये प्रोवाइड करता है। अब सपोर्ट एंड हेल्प में, सारा कुछ प्रॉब्लम अगर कुछ होता है आपको एप्लीकेशन में या फिर कुछ भी तो यहाँ पे आप जाके सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे डार्क थीम जो है वाइट और ब्लैक कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जनरल कुछ सेटिंग लैंग्वेज होगी सब सेटिंग है, लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग जो है स्टॉक इंडेक्स ये सब का जो है रिव्यू हर रोज़ डालते रहते हैं, अच्छे स्टॉक का रिव्यू करते हैं। आप जाके जो है लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर टेस्ट करके जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपना जो है इसमें अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेन बात क्या हो गया है, मेन बात ये हुआ है कि अगर आप हो सकता है कि 99 रुपीज़ आपके अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगे, बाकी और में ज़्यादा कम लगता है, इसमें 99 अभी लग रहा हो शायद, तो आपको 25 रुपये की ETF मिल जाएगा, ये गिफ्ट कर देंगे। तो 99 और 25 माइनस कर दीजिए, आपको अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा और आपको जो ETF भी गिफ्ट में मिल जाएगा, सारा कुछ मतलब सस्ते में आपका सारा कुछ निपट जाएगा। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है मेरे को, क्योंकि मेरे को 2 अकाउंट चाहिए था, 3 अकाउंट ऑब्वियसली एक एंजल में भी चलाता हूँ, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जब वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी मैं अपस्टॉक जो है अपस्टॉक थोड़ा सा मुझे यूज़र फ्रेंडली लग रहा है और यूज़ करने बहुत शानदार हो रहा है। तो अभी के लिए इतने धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।